Thank you, Speaker Sahib. Defense Minister Sahib ne badi poetic alfaz mein kaha ke jo namumkin tha PMLN ne mumkin kar diya. To main batana chahti hu ke jo mumkin ho sakta tha wo sara PMLN ne namumkin kar diya. Shuru karne de mujhe pehle. Unhone badi constitution ko quote kiya. अगर जरा आगे दो तीन पैराग्राफ्स पढ़ लेते तो फेडरेशन की बात होती जो कि मुमकिन था कि फाटा एक प्रॉपर मेनस्ट्रीम होके पाकिस्तान का हिस्सा बनता वो इन्होंने नामुमकिन कर दिया क्योंकि दो एलाइज के साथ ये उनकी ब्लैकमेल में आ गए एक एक एलाय उनका ऐसा जिसने मीटिंग में कहा कि फाटा तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है वो तो अफगानिस्तान का हिस्सा है मैं कहती हूं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दो तीन पैराज और पढ़ लेते खुरम दस्तगीर साहब तो फिर हमें जवाब देते कि ये कैसे किया कि जो मुमकिन था कि फाटा पाकिस्तान मेनस्ट्रीम होता वो एक दो शख्स लोगों के वास्ते आपने नामुमकिन कर दिया फाटा के लोगों को महरूमी रख दिया उनके हक उनको नहीं दिए ये कैसे हुआ तो मैं समझती हूं कि जिस शख्स ने ये कहा कि फाटा पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है क्या वो पाकिस्तानी है कि वो अफगानी है क्या उसको उसने पाकिस्तान के साथ हमदर्दी की है कि पाकिस्तान के खिलाफ ट्रीजन की है ये जवाब भी दें हमें डिफेंस मिनिस्टर साहब तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि नामुमकिन को हमने मुमकिन कर दिया हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट किया ईरान से ताल्लुकात बेहतर किए अफगानिस्तान से बेहतर किए मिस्टर स्पीकर साहब जो मुमकिन था वो उन्होंने नामुमकिन कर दिया ईरान से ताल्लुकात और खराब किए क्योंकि वो ऑयल पाइपलाइन को नहीं एनफोर्स कर रहे अमेरिका की दुबई के दबाव में आके पाइपलाइन को इन्होंने अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं किया और क्या हो रहा है ईरान हमें आर्बिट्रेशन पे लेके जा रही है जैसे रेकोडिक पे आप आर्बिट्रेशन पे गए थे और करोड़ों रुपए आपके जाया हुए थे अब ये हुकूमत ईरान हमें पाइपलाइन पे आर्बिट्रेशन पे ले जा रहा है और हमें खामखा करोड़ों का नुकसान होगा तो माजरत के साथ पीएमएल ने जो मुमकिन था कि ईरान से बेहतर ताल्लुकात बनते हमारी एनर्जी क्राइसिस रिजॉल्व होता वो पीएमएलएन ने नामुमकिन कर दिया अपने अमेरिका के दबाव में आके और अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात आजकल हैं वो तो वाजे हो गए जब हमें मौका मिला कि ताल्लुकात बेहतर करें अफगानिस्तान से पीएमएलएन ने वो मुमकिन बात को नामुमकिन कर दिया और आज हमारे ताल्लुकात बदतरीन है अफगानिस्तान के साथ फिर आगे बढ़े कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर डील से अलहदा हो गए हमारे लोग अमेरिकन डिप्लोमैट सरेआम मार रहे हैं सड़कों पे आपको मौका मिला था कि आप मुमकिन करते कि बेहतर ताल्लुकात और अमेरिका पाकिस्तान के इंटरेस्ट समझती आपने नामुमकिन कर दिया वो भी अमेरिका के ऑफिशियल्स आते हैं आपको डंडा दे के चले जाते हैं ये भी आपने मुमकिन को नामुमकिन कर दिया जिधर एक डेमोक्रेटिक हुकूमत अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकती थी अमेरिका को आंख में आग डाल के बात कर सकती थी आप घबरा गए आपने घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने और आज अमेरिका आप पे दबाव लगा रहा है ये हमें शर्म की बात है और अब हम सुन रहे हैं कि एक बंदा जिसने सीआईए के लिए काम किया डॉक्टर शकील अफरीदी उसका भी आप जेल ब्रेक प्लान कर रहे हैं तो अजीब बात है कि पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करें उनको आप सजा देने के बजाय फिर अमरीका को एक तोहफा दे रहे हैं तो ये तो आपने पाकिस्तान की इज्जत जिसको आप बहाल कर सकते थे दुनिया में आपने मुमकिन को नामुमकिन कर दिया और हमारी इज्जत बहाल नहीं कर सके आप शर्म की बात है और आज अगर अमेरिका ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी वायोलेट किया लोग कह रहे हैं जी अमेरिका विड्रॉ कर गया ना इंटरनेशनल लॉ में अमेरिका ने जो निकला है
ये ट्रीटी का ब्रीच किया है, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। हमारे फॉरेन ऑफिस ने अभी तक कोई कंडेमनेशन नहीं की इसकी, कोई स्टेटमेंट नहीं आई हमारे फॉरेन ऑफिस से। क्यों? क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। अमेरिका के दबाव में आप रह के आप क्यों नहीं कर सकते अमेरिका के खिलाफ? हालांकि अगस्त 2017 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक करारदाद यूनैनिमसली पास की जिसमें अमेरिका को रेड लाइंस दी गई पाकिस्तान की। वो मौका था कि आप पाकिस्तान की अमेरिका के साथ इज्जत बहाल करते, लेकिन आपने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया और मुमकिन को नामुमकिन किया और अमेरिका को हम अपना मौकफ नहीं दे सके। तो अनफॉर्चुनेटली डिफेंस मिनिस्टर साहब, जब आप कहते हैं हमने नामुमकिन को मुमकिन किया, माजरत के साथ आपने मुमकिन को नामुमकिन करके पाकिस्तान की इज्जत इंटरनेशनली नहीं बहाल की और आगे बढ़े। अब इसके जब अमेरिका खुद इंटरनेशनल कानून को तोड़ा है तो फिर हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे अमेरिकन डिप्लोमेट के खिलाफ जिसने जवान नौजवान पाकिस्तानी को कत्लेआम किया शराब पी के? उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की क्या हैसियत है जब अमेरिका खुद इंटरनेशनल कानून को तोड़ के ईरान की वो न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया है? तो मैं सवाल उठाती हूँ कि क्या इस अमेरिकन को भी आप रेमंड डेविस को जैसे बेहाल किया, इस अमेरिकन कातिल को भी आप बेहाल करेंगे कि उसको सजा देंगे एक जो उसने कत्ल किया है पाकिस्तानी शहरी का? ये सवाल का जवाब भी हमें आना चाहिए हुकूमत से। अब मैं आती हूँ बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे, कश्मीर के इशू पे। कश्मीर एक इशू जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन अभी हुआ हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान वहाँ दहशतगर्दी कर रही है, हिंदुस्तान की फौजें अनआर्म लोगों को मार रही हैं, औरतों को मार रही हैं, बच्चों पे पैलेट गन्स इस्तेमाल कर रही हैं। आपको मौका था कि आप कोई पॉजिटिव एक्शन लेते ताकि इंडिया को बैकफुट पे डालते, इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशर में लाते कि कश्मीर का मसला हल करें। मौका आपको मिला, 5 साल आपने कुछ नहीं किया। ये कुछ नहीं होता कि आप एक दो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट की पास कर दें, आप रिग्रेट कर दें। आपको चाहिए था आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मॉडल पेश करते, कश्मीर का मसला हल करने का मॉडल पेश करते, मुमकिन बनाते एक काम जो मुमकिन हो सकता था। लेकिन आपकी इनकॉम्पिटेंस, आपकी घबराहट अमेरिका से और हिंदुस्तान से, आपने मुमकिन को नामुमकिन करके छोड़ दिया और कश्मीरियों को उनके हाल पे छोड़ दिया। उनका खून बहता जा रहा है और आप बात कर रहे हैं कि जी ताल्लुकात बेहतर करें, आप बात कर रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी की, जब उधर कत्लेआम हो रहे और आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि एक जो आप मुमकिन कर सकते थे कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो, आपने नामुमकिन कर दिया और कश्मीर को अबैंडन कर दिया। कोई आपने एक स्टेप लिया है कश्मीर के बारे में 5 साल में? बिल्कुल नहीं लिया। और मैं आपको ये भी बता दूं मिस्टर स्पीकर, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी ब्लूप्रिंट बना रही है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल का। हमारे पास हल है, हम आपको कॉन्क्रीट स्टेप्स देंगे कि कैसे कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो सकता है विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द यूएन रेजोल्यूशंस। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, पीटीआई की कमिटमेंट है इस इशू पे और इंशाल्लाह फर्स्ट 100 डेज पे, और हम अपने 2 दिन में प्लान अनवेल कर रहे हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देंगे किस तरह कश्मीर का मसला हल हो सकता है कीपिंग इन माइंड यूएन रेजोल्यूशंस। वो नहीं प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जो 4 पॉइंट फेंक दिए सोचे समझे बगैर, लेकिन एक प्रॉपर कॉन्क्रीट प्रपोजल जिससे कश्मीर इशू रिजॉल्व होगा और यूएन रेजोल्यूशंस के तहत रिजॉल्व होगा। इसके बाद आपने आज क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस में एक खुफिया मीटिंग हो रही है जिधर उन्होंने वियना से एन न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप पे जो एम्बेसडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के उनको बुलाया है। शर्म की बात यह है कि उन्होंने बाहर के लोगों को पाकिस्तान से भी इनवाइट किया कि आप भी ये मीटिंग अटेंड करें, ब्रीफिंग अटेंड करें, एक सियासतदान को नहीं इनविटेशन दिया। आप क्या हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारा जीएचक्यू समझता है कि उनको कौम की सपोर्ट नहीं चाहिए,
उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की सपोर्ट नहीं चाहिए न्यूक्लियर इश्यू पे, अभी तक सपोर्ट नहीं ली और इस वास्ते हम नाकाम होते रहे। और हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि एक जमहूरियत की बातें करते हैं तो ये क्यों नहीं मुमकिन किया कि बाकी दुनिया के जो रेप्स आज आए हुए हैं फॉरेन ऑफिस में घुसे हुए हैं उनको वाजे करते कि पूरी कौम थ्रू इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैक करिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर पोजीशन को, आप क्यों नहीं अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ देते बाय इन्वॉल्विंग द पार्लियामेंटेरियंस। ये भी एक चीज थी जो आप मुमकिन कर सकते थे, इतने जो जमहूरियत के आप नारे लगाते हैं आपने अगेन क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी पे आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, आपने फिर मुमकिन को नामुमकिन कर दिया इतने इंपॉर्टेंट इशू पे, शेम ऑन दिस। अब मैं आती हूं एक इशू, ये डिस्ट्रस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। मेरी एक बिल था, मेरा चार साल फॉरेन पॉलिसी कमेटी में बैठा रहा, क्या था वो बिल, जरा सी उसमें बात थी कि जब पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटी को दस्तखत करता है तो पार्लियामेंट में आके उसको रेटिफिकेशन की रेजोल्यूशन मांगनी चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट से अप्रूवल ले ले रेटिफिकेशन का। चार साल सड़ता रहा बिल, फाइनली पहली दफा पीएमएलएन के मेंबर्स अपनी फोर्स में आए और बिल को रद्द कर दिया। शेम, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में हाँ आप पार्लियामेंट का रोल बढ़ाना चाहते थे एक बिल से, उसको आपने रद्द किया जो जमहूरियत को और पार्लियामेंट का रोल आप मुमकिन कर सकते थे फॉरेन पॉलिसी में, आपने नामुमकिन किया अंडर प्रेशर फ्रॉम सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। शेम ऑन दैट ऑल्सो, क्या बातें कर रहे हैं, हमने नामुमकिन को मुमकिन किया, सारी चीजें जो मुमकिन थी आपने नामुमकिन कर दी, हमारी खारजा पॉलिसी को तबाह करके रख दिया, आपके पास खारजा पॉलिसी है ही नहीं कोई। और अब मैं बात करती हूँ एक इशू जो हर पाकिस्तानी की दुखती हुई रग छेड़ता है, वो ये है हमारे पाकिस्तानी जो जेलों में बैठे हुए हैं सऊदी अरब में और ममालिक में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, हमारी हुकूमत इनके लिए कुछ नहीं कर रही। ये कितनी शर्म की बात है कि आप अपने शहरियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ना आप कुछ करना चाहते हैं। ये हाँ, मुझे लगता है कि मेरी बातें पसंद नहीं आ रही, स्क्रीन भी ऑफ कर दिया आपने, कोई बात नहीं, ये आपका गैर जमहूरी रवैया दिखाता है और कुछ नहीं। बहरहाल आप अपने आम वर्कर जो आपको रिमिटेंसेस भेजता है, जो आपका मुल्क चला रहा है, उसकी इज्जत को आप मुमकिन नहीं कर सके, नामुमकिन कर दी, उनको वहां छोड़ दिया, जेलों में रुल रहे हैं पाकिस्तानी शहरी, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सके, तो क्या चीज आपने मुमकिन की, आप तो सब कुछ नामुमकिन करते गए। अब आ जाए वीजास पे, मिस्टर स्पीकर कुछ तवज्जो दे दे, आपको पता है जो इंटरनेशनल लॉ के तहत वीजास की प्रोसीजर्स और फीस रिसिप्रोकल होती है, लेकिन पाकिस्तान ने जरा सी गैरत नहीं दिखाई, हमारे क्या कैनेडियन वीजा ले लें, कोई और वीजा ले लें, हम फीस देते हैं, उसके साथ एक कंपनी है जेरीज, वो डबल चार्ज करते हैं बायोमेट्रिक के लिए। मैंने पता करवाया हमारी फॉरेन ऑफिस से, क्या हम भी कैनेडियन सिटीजन से बायोमेट्रिक करवाते हैं और फीस लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं। तो खुदा के वास्ते कुछ तो गैरत रखें, कुछ तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत रखें, रेसिप्रोसिटी तो कर दे। ये क्या आपने नामुमकिन कर दिया है, एक चीज जो कानून के तहत इंटरनेशनल लॉ के तहत मुमकिन थी रेसिप्रोसिटी, उसको भी आपने रद्दी की टोकरी में फेंक के पाकिस्तान के सब पासपोर्ट को बिल्कुल इज्जत से खत्म कर दिया है, रद्द कर दिया है, और ये नामुमकिन कर दिया है कि सब पासपोर्ट की इज्जत हो, क्योंकि आपने रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल नहीं रखा। तो मिस्टर स्पीकर, खुदा के वास्ते कभी सच भी बोल लिया करे हुकूमत, कभी खुरम दस्तगीर साहब सच बोले, फॉरेन खाजा पॉलिसी की बड़ी तारीफें कर रहे थे, मुझे एक चीज बता दें जो फॉरेन पॉलिसी में आपने अचीव किया है, मैंने तो आपको लंबी लिस्ट दी है कि जो मुमकिन हो सकता था एक जमहूरियत में वो इस हुकूमत ने नामुमकिन करके रख दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, खुरम दस्तगीर साहब ने बड़ा कहा
कि हमने लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश कर दिया है, जो नामुमकिन था हमने मुमकिन कर दिया, हमने अमन व अमान पैदा कर दिया। अजीब व गरीब बात है, अगर अमन व अमान पैदा किया तो आपके इंटीरियर मिनिस्टर को गोली कैसे लगी? ये क्या आपने अमन व अमान पैदा किया है? आपने अमन व अमान जो पैदा कर सकते थे उसको भी मुमकिन से नामुमकिन कर दिया है। तो मिस्टर स्पीकर, मैं कंक्लूड कर रही हूं इससे पहले कि आप मेरा माइक बंद कर दें, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, आज जिधर पाकिस्तान को मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं, जिधर सब पासपोर्ट रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये सारा कसूर PMLN की हुकूमत का है, जिसने मुमकिन को नामुमकिन करके पाकिस्तान को रद्द कर दिया। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी रमेश लाल साहब।